ठीक है, तो वेल डिसाइड अपन की आज है। वेलकम टू आवर हैकर व्लॉग, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारी ये 7th नंबर की वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग के बारे में। तो ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग होता क्या, इससे पहले जो हमने कवर करा है वो हम और बता देता हूँ मैं आपको कि मैंने कॉन्फिग्रेशन एंड डिप्लॉय मैनेजमेंट टेस्टिंग कवर कर लिया है। नहीं देखा तो पिछली वीडियो जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। बेसिकली यूजर रोल पर डिफाइंड था पूरा पूरा। इससे पहले हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर चुके हैं, जहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करी जाए। अब जो है इंपॉर्टेंट पार्ट, आइडेंटिटी मैनेजमेंट भी अपन ने कर लिया है, कॉन्फिगरेशन वाला भी हो गया हमारा। अब जो है ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 7th नंबर की वीडियो, इसके अंदर शायद 2 या 3 वीडियो बनेगी अप्रॉक्सीमेटली, और सब प्रैक्टिकल पर रहेगी। थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं आएगी हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझने में। कुछ भी डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट में डाल दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कौन से पॉइंट में डाउट है। तो अपन क्या करेंगे, क्लब करके एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारे डाउट सेशंस को एक साथ मर्ज कर लें, ठीक है ना। सो गाइस सपोर्ट करें और प्लीज़ शेयर करें फ्रेंड के साथ में। वाली सीरीज जो है बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, और ये वेब टेस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं हमारा OTG ऑथेंट 001 के बारे में। तो देखा, टेस्टिंग फॉर क्रेडेंशियल ट्रांसमिटेड ओवर एन एनक्रप्टेड चैनल। तो बेसिकली आपको ये चेक करना है कि जब भी आप किसी वेबसाइट से डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे जो चेक वेदर वेदर इट्स HTTP और HTTPS, सेंडिंग डेटा थ्रू HTTP एंड HTTPS। तो बेसिकली आपको ट्राई करना है डेटा को सेंड करके HTTP और HTTPS चैनल पे। आपने देखा होगा साइट के ऊपर एक लॉक का साइन आता है, ठीक है ना। साइट के ऊपर देखेंगे ना आप, दिखाता हूँ मैं डायरेक्टली आपको साइट पर ले जाके। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जैसे आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको साइट पे एक लॉक का साइन आता है। अगर लॉक लगा हुआ है तो मतलब कि वहाँ पे HTTP काम कर रहा है, HTTPS काम कर रहा है, नहीं तो फिर HTTP पे साइट चल रही है। तो उसके लिए अगर आपको ये चेक करना है कौन सा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, कौन सा डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, या फिर कौन सा प्लेन टेक्स्ट में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है आपका, तो नेटवर्क के अंदर कोई भी हैकर उसका एक्सेस ले सकता है, उसका डिटेल को कैप्चर कर सकता है। उसके लिए आपको वायरशार्क टूल का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप बर्ब सूट का भी करते हैं, पर बर्ब सूट के अंदर HTTP का डेटा भी आपको प्लेन टेक्स्ट में नजर आएगा। सिर्फ खाली HTTP और HTTPS चेक करने के लिए आप बर्ब सूट का कर सकते हैं, बाकी आप वायरशार्क का यूज़ करें। ये प्रोटोकॉल एनालाइजर होता है, नेटवर्क के अंदर फ्लो हो रहे सारे ट्रैफिक को ये कैप्चर करता है, और आइडेंटिफायर बताएगा कि भाई कौन कौन से पैकेट जो है नेटवर्क के अंदर फ्लो हो रहे हैं, और उसमें किस टाइप के प्रोटोकॉल यूज़ करे गए, उसमें क्या डेटा फ्लो हो रहा है। तो दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अभी अपन यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे अडाप्टर नीचे आगे दिख रहा होगा, कैप्चर के नीचे आ रहा होगा ETS 0, एनी लूप बैक और Docker 0, ऐसे लिखे हुआ रहे काफ़ी सारे अडाप्टर्स हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर। तो मैंने ETS 0 को, क्योंकि मेरा जो ये है मेरा VMware जो है बाय डिफॉल्ट ईथरनेट कनेक्शन को लेकर चलता है, तो ETS 0 को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और क्लिक करता हूँ स्टार्ट करने पर। अब दिख रहा होगा आपको इसमें सिस्टम में जितने भी मेरे प्रॉक्सी मतलब जितने भी मेरे ट्रैफिक जनरेट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर रिफ्रेश मारता हूँ मैं, लॉगआउट मारते हैं, इसके साइन अप करते हैं। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मैं जैसे डालता हूँ अपना कोई भी यूजर नेम पासवर्ड, जैसे मैंने डाला और मैंने टेस्ट करा, ठीक है, मैं लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं लॉगआउट मारता हूँ और फिर चेक करता हूँ एक बार यहाँ पे जाके कि यहाँ पे ट्रैफिक में क्या कैप्चर हुआ है। दिख रहा होगा काफ़ी सारी रिक्वेस्ट सेंड हुई है, तो अब इसको थोड़ा सा फिल्टर करने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें हुआ है, ठीक है। ये दिख रहा है काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। अब इसमें अपन पहले तो और अपन को क्या कि बेसिकली अपन को आइदर HTTPS ट्रैफिक चाहिए या फिर HTTP ट्रैफिक चाहिए, तो अपन को पहले क्या करना है, और HTTPS आपको नेटवर्क के अंदर नजर नहीं है क्योंकि वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। तो HTTPS यूज़ कर रहा है तो बहुत सिक्योर है, आप अभी साइड सिक्योर है फिलहाल एनक्रप्शन से, मतलब एनक्रप्शन आपका अभी साइड फॉलो कर रही है, तो डेटा कोई नेटवर्क से निकाल नहीं सकता, नेटवर्क डेटा पैकेट से निकाल नहीं सकता। HTTP यूज़ करें तो खतरे वाली बात है। उसके लिए चेक करने के लिए आप HTTP फिल्टर में डालते हैं HTTP और एंटर मारें, ताकि सिर्फ HTTP के फिल्टर ही हो जाए। दिख रहा है ना अभी इतने सारे पैकेट गए, तो बहुत सारे आ रहे थे क्योंकि नेटवर्क में अगर मान लो मोर देन 1 डिवाइसेज है ना भाई, 10-15-20 डिवाइसेज है ना, तो आप ऐसा को चलाते ही आपके अंदर 10-15-25-25-30 हज़ार पैकेट तो यही हो जाएंगे 2 मिनट में, उसमें से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ना हमारा प्रोटोकॉल फिल्टर यहाँ से कर लें, HTTP डाल दें, एंटर मारते फिर आपको चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पर लॉगिन करा गया है, तो लॉगिन करा गया है तो यहाँ पे मेरी साइट का आईपी एड्रेस, मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस 192.168.220.138 दे रखा है, और ये सर्वर पे इसने भेजा है, सर्वर पे लॉगिन वाले पेज पे डाला। तो अपन चेक करते हैं एक बार, गेट रिक्वेस्ट कुछ जाएगा नहीं एक्चुअल में, जो फॉर्म वगैरह सबमिट होते हैं ना, जो भी लॉगिन कर रहे हैं आप, कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, सब पोस्ट रिक्वेस्ट में होते हैं, मैथड देते हैं कि बेसिकली हमारे मैथड हैं दोनों, ठीक है ना। तो ये पोस्ट मैथड अपन चेक करते हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे HTML फॉर्म URL एनकोडेड, तो एक बार चेक करते हैं इसमें, तो देखो यहाँ पे मेरा यूजर नेम और यहाँ मेरा पासवर्ड तो प्लेन टेक्स्ट में नजर आ रहा है। तो ये एक टाइप की क्या है कि वल्नरेबिलिटी हो गई, कि जहाँ पे आपका जो वेबसाइट है ना वो प्लेन टेक्स्ट में डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो क्रिप्टोग्राफिक इशू इसे हम बोलते हैं, और ये OWASP टॉप 10 के अंदर भी क्रिप्टोग्राफिक इशू वाली वल्नरेबिलिटी आती है। तो ये एक बग हो गया आपकी वेबसाइट में, कि आपकी वेबसाइट जो है HTTP कनेक्शन यूज़ कर रही है और डेटा जो है वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये पहला वाला पार्ट था हमारे इस पर्टिकुलर सीरीज का, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको, टेस्टिंग क्रेडेंशियल ट्रांसपोर्टेड ओवर एनक्रिप्टेड चैनल, तो ये अपने चेक कर लिया। फिर आपको चेक करना टेस्टिंग फॉर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल एंड चेक, और आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, ये हो गया आपका, हाँ ठीक है। टेस्टिंग फॉर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल, तो आपको चेक करना है कि क्या ये डिफॉल्ट क्रेडेंशियल यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा। तो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल चेक करने के लिए ऑफिस से काली में जाते हैं, ये हटाते हैं अपन, वर्ब थ्रू ट्राई करते हैं। और बता दूँ मैं आपको कि ना ये वाला जो था मतलब इस वाले पैरामीटर में ऑलरेडी एक वीडियो ले चुका हूँ, पहले वीडियो में ही मैंने एक्सप्लेन करा था
पर मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज कि आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे वेबसाइट में लॉगिन नहीं हो रहा है, तो ठीक है ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल, लॉगिन लॉगआउट मारते हैं और यहाँ पे अपन कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं और अपन को टेस्ट अपने डाला, अपन को पता नहीं है साइट का यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी पता नहीं है अपन को, और ट्रैफिक जो है इधर आ रहा है, और अभी अपन एक बार क्या करते हैं इंटरसेप्ट ऑन कर देते हैं कि भाई जो रिक्वेस्ट आएगी इसको मैं कैप्चर करूँ ताकि मैं ब्रूट फोर्स लगाने पर जाऊँ, ईजी गेसेबल पासवर्ड में ट्राई कर सकूँ। अब देखो मैं ईजी गेसेबल पासवर्ड ट्राई करूंगा तो मैं 2, 3, 10, 15, 20 से ऊपर ट्राई नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो जिसके पास एक लिस्ट हो ऑलरेडी, ऑलरेडी लिस्ट हो, या फिर मैं कॉपी कर कहीं से इंटरनेट से कॉपी कर लूंगा ईजी गेसेबल पासवर्ड की लिस्ट, उसमें लगा दूंगा, फिर मैं ट्राई करता हूँ कौन कौन से जो पासवर्ड है ना वो मैच हो रहे हैं उसमें। ठीक है मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, अभी सीधे इसमें आगे दिख रहा होगा आपको यूजर नेम डाल रखा एडमिन और पासवर्ड में डाल रखा मैंने टेस्ट। ठीक है इसको मैं सेंड करता हूँ इंट्रूडर में, इंट्रूडर में भेजा, इंट्रूडर में आ गया। इंट्रूडर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग किसी भी चीज़ को मतलब ऑटोमेटेड किसी को करने के लिए हम इंट्रूडर यूज़ करते हैं, मतलब ब्रूट फोर्स लगाना है आपको किसी भी जगह, अभी ये हो सकता है कि फॉर्म पे लगे, लॉगिन पे लगे, ओटीपी पे लगे, कहीं पे भी लगाना आपको उसके लिए करते हैं, या मान लो कि अगर आपको ना बहुत सारी क्वेरीज ट्राई करनी है इन अगेंस्ट ऑफ वन पैरामीटर और मोर देन वन पैरामीटर तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल टूल है और हम लोग काफ़ी बार यूज़ करते हैं टेस्टिंग के दौरान। ठीक है तो अब इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं, मुझे सिर्फ एक ही पैरामीटर पर चाहिए कि यूज़र नेम तो मेरे को पता है ही सर, टेस्ट पे लगाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर मैं इजी गेसेबल पासवर्ड्स में ट्राई कर रहा हूँ। स्नाइपर मतलब कि सिंगल पैरामीटर के लिए होता है, सिंगल पैरामीटर सिंगल पेलोड आएगा, पर अगर आपको मोर देन वन पेलोड है, मोर देन वन पैरामीटर है, तो आप पिचफॉक का या फिर क्लस्टर बॉम्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी अपन स्नाइपर कर रहे हैं, जिसने नहीं देखा तो जाके एक बार चेक करें हमारे ब्लॉग शूट के ऊपर, मैंने पूरी डिटेल में पूरी लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट बना रखी है, जाके चेक कर लेना एक बार, तो पूरा चीज़ मैंने बता रखा है। ठीक है अब देखो यहाँ पे पेलोड में आगे अपने सिंपल प्ले पेलोड देखते हैं, अगर आप इसका प्रोफेशनल वर्जन, ये तो कम्युनिटी एडिशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट एडिशन है ये तो, पर अगर इसका अगर आप प्रोफेशनल एडिशन यूज़ करें ना तो उसमें बाय डिफॉल्ट भी कुछ काफ़ी सारी स्क्रिप्ट काफ़ी सारे पासवर्ड्स और यूजर नेम आते हैं डिफॉल्ट, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी या फिर मैं नेट से कॉपी कर सकता हूँ, नेट से कॉपी करने जाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो अपन फटाफट अभी लिस्ट बना लेते हैं वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अपन ट्राई करते हैं, इसका पासवर्ड होता है रूट, सॉरी रिमूव करता हूँ मैं, रूट और एडमिन हो सकता है या फिर काली हो सकता है या फिर लाइन एक्स हो सकता है, ठीक है ना, सॉरी लाइन एक्स, हैकर हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, विन पास हो सकता है, ठीक है ना, उसके अलावा और क्या हो सकता है पासवर्ड, कमेंट बताना मुझे कोई कोई भी इजी गेसेबल पासवर्ड अगर आपको पता है तो। ठीक है ना जैसे मैंने एक और ट्राई कर लेता हूँ तो अपन डाल लेता हूँ। ठीक है ये मैंने ट्राई कर लिया, लेट्स चेक अटैक पर क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कि क्या इसमें से कोई इजी गेसेबल पासवर्ड मैच हो रहा है नहीं होता। तो ये अपने कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स करा ब्रूट फोर्स करा ब्रूट फोर्स करा और फिर कुछ मिला गया, मिला, चलो ठीक है चेक कर लेते हैं कौन, ये इसके अंदर इशू आ रहा है भाई, एक बार और दूसरी साइड पर ट्राई करके देखते हैं अपन। तो देखो इसमें ना विन पास ठीक है, सही पासवर्ड को भी पता नहीं, क्या बात है भाई, फाउंड लिखा हुआ आना चाहिए सब में आ रहा है फाउंड फाउंड तो। हाँ देखो यहाँ पे देखो कैसे आ रहा है, देखो ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे कोई टोकन जनरेट नहीं कर रहा, तो देखो वो लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, 351 351 सब में 351 आ रहा है, स्टेटस भी आपका कॉमन ही है, तो अब भाई कैसे चेक करें, मतलब कि मैं जैसे मेरा लाइनेक्स जो है मेरा पासवर्ड नहीं, तो दिख रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है लोकेशन, देखो लोकेशन पे जाओ, हर बार कुछ ना कुछ आपको अलग अलग इंडिकेशन मिलेगा, जरूरी नहीं कि लेंथ, कई बार होता है लोग बोलते हैं लेंथ चेक करो स्टेटस चेक करो उससे पता चला, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, लोकेशन इनके अलावा भी स्टेटस और लेंथ के अलावा भी लोकेशन चेक करना होता है आपको। अभी देखो लॉगिन डॉट पी एच पी पे अपन है, जब ये डाला अपन ने हैकर यूजर ने पर डाला तो फिर वापस से लॉगिन डॉट पी एच पी पे ही है, जब पासवर्ड पर डाला तो आप इंडेक्स पर पहुंच गए, मतलब कि इंडेक्स जो है मतलब वो क्या है कि आपका डैशबोर्ड हो गया एक तरीके से, लॉगिन करने के बाद वाला पेज का लिंक आ गया ये, तो मतलब कि आपका एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड है आपका। तो फिर आप जाके एक बार इसको इंट्रूडर ऑफ करो और फिर एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख रहे हैं आपको यहाँ पर फील्ड 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 ये लॉग इन एज एन एडमिन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक पासवर्ड मैच कर गया। तो एक बार रिफ्रेश मारते हैं इसको, यहाँ पे ट्राई करते हैं पासवर्ड मारते हैं लॉग इन करके। तो इस तरीके से बेसिकली इजी गेसल पासवर्ड अगर आप रख रहे हैं तो ये भी टाइप की वल्नरेबिलिटी होती है जो आपके ऑथेंटिकेशन इशूज में आ जाती है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, टेस्टिंग फॉर वीक लॉकआउट मैकेनिज्म, लॉकआउट मैकेनिज्म क्या होता है, अगर मान लो कोई आपको ऑटोमेटिक ब्रूट फोर्स करा, अपन देखा आपने कि डिफॉल्ट पासवर्ड कैसे अपन गेस कर सकते हैं ब्रूट फोर्स करके ना, तो अगर ब्रूट फोर्स कर रहे हैं और इन केस अगर आपका अकाउंट लॉक नहीं हो रहा तो वो ये चीज़ आपकी यहीं पे आ जाएगा। तो बेसिकली अपन ने ये वाला अटैक जो परफॉर्म करा था ना यहाँ पे काली के अंदर, तो काली में जब अपन ने परफॉर्म करा और हो सकता है कि ना 10, 15, 20 अटैम्प्ट के बाद ये आपको जवाब दे जाए, आ गया ये रहा, ठीक है जैसे मान लो दिख रहा है ना, तो मैंने 10 तक ट्राई करा और हो सकता है कि ना 5, 6 आपने ग्राउंड पर ट्राई करो और ये 30 मिनट के लिए आपको रोक दे, या 30 मिनट के बाद आप ट्राई मतलब 30 मिनट तक अब कोई भी नया पासवर्ड ट्राई नहीं कर सकते। तो अगर इस टाइप की कोई फंक्शनलिटी है
तो भाई आपका आप सिक्योर, अदरवाइज ये एक बग है, ठीक है ना, कि भाई एक यूजर अननोन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर पा रहा है, तो ये एक बग हो गया। थर्ड नंबर का जो है वो यही है, अगर वो जैसे मान तो अपन डाला तो भी उसने दिखा दिया ना कि नो लॉगिन डॉट पी एच, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि ना नंबर ऑफ लिमिट एक्सीड्स, ऐसा कुछ आना चाहिए, मतलब लिमिट करना चाहिए हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर, तो ये टाइप की वल्नरेबिलिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेस्टिंग फॉर वीक अकाउंट लॉगआउट मैकेनिज्म है यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को वेरी वैलिडेट नहीं कर रखा। अभी तो मैंने 10 करा है, 10 से ज़्यादा करें आप, 50 करें तो पता चल जाएगा आपको। कई बार कंपनीज 15-20 भी रखती है, होता है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर 15-20 रखा है तो वो 10 में पता नहीं चलेगा, तो 50 रखें, 50 स्टैंडर्ड होता है, 50 से या 50 अटैम्प्ट से ऊपर क्या मतलब, इतना कोई थोड़ी ना अटैम्प करेगा आपके पासवर्ड, तो 50 अटैम्प्ट रखे पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ इशू है नहीं। टेस्टिंग फॉर बाईपासिंग ऑथेंटिकेशन, तो भाई बाईपासिंग ऑथेंटिकेशन जो होता है ना वो कैसे होता है देख लेते हैं अपने एक बार। जैसे मान लो कि अपन साइट वगैरह में जाते हैं, ठीक है ना, ये ले लेते हैं अपन, डेमोडो टेस्ट ले लेता हूँ मैं, डेमोडो टेस्ट ले लेते हैं अपन, ठीक है, डेमोडो टेस्ट ले लेते हैं अपन। तो अपन को क्या करना होता है, अपन चेक करना होता है बेसिकली साइट के अंदर, जैसे लॉग इन दे रखा है तो अपन यहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड ट्राई करें, अगर डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं लग रहा तो हमें एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं अपन, या फिर पर्टिकुलर अपन ट्राई करके अपन डायरेक्टली एक्सेस ले सके उन पेजेस का जो डायरेक्टली पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जैसे एडमिन के अंदर अपन गए तो इंडेक्स वाला पेज आ रहा था, दिख रहा था आपको वो पिछले वाले प्रैक्टिकल के अंदर, तो इंडेक्स वाला पेज था, तो स्लैश टाइप करें साइट का नाम, स्लैश इंडेक्स टाइप करें, अगर डायरेक्टली आप एंटर कर पा रहे तो मतलब कि जैसे यहाँ पर ट्राई करके दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे अभी यहाँ पर है ना, तो इसको लॉगआउट मारता हूँ मैं, अभी यहाँ लॉगिन आ रहा है, ठीक है ना। तो लॉगिन पे बाय डिफॉल्ट था हमारा, अगर मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी में टाइप करता हूँ और एंटर मारता हूँ और इंडेक्स वाला पेज खुल जाता है मेरा, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन बाईपास हो गया हमारा, ठीक है ना। अगर इनकेस नहीं हुआ तो फिर तो रह गया। इवन आप है ना लॉगिन पे भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मान लो वन अपोस्ट्रॉफी और इक्वल्स टू वन, सॉरी ये हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन का ऑथेंटिकेशन बाईपास का पेलोड है, वन अपोस्ट्रॉफी और वन इक्वल टू वन, बेसिकली बोल रहा है कि ना आइदर वन यूजर नेम वन हो या फिर ये कंडीशन ट्रू हो, तो वन इक्वल टू वन होता है अगर मान लो एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी होगी, अगर सर्वर से डायरेक्टली आपका सर्वर से डायरेक्टली अगर आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, क्वेरी इंटरेक्ट कर पा रही है, तो उस कंडीशन में ये अलाउ कर देगा और हम डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं एक बार, इसी को कॉपी करें यूजर नेम में, इसी को कॉपी करते हैं पासवर्ड में, बेसिकली ये दोनों में से किसी एक की वल्नरेबिलिटी होगी, तो आप ट्राई करें एक बार, आप उसमें डालें और फिर कुछ भी डाल दें, एडमिन डाल दूँ मैं पासवर्ड के अंदर और फिर ट्राई करता हूँ, देखो क्या होता है, खुल गया। तो मतलब ये यूजर नेम की वल्नरेबिलिटी, समझ में आ रहा है आपको। तो भाई यूजर नेम के पैरामीटर वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन, तो आपको ऐसे नहीं कि आप सब में डाल दो फिर अपन लॉगिन कर रहे हो और लॉगिन हो रहा है तो आपको पता ही नहीं ना कौन से पैरामीटर वल्नरेबल है, तो आपको बताना पड़ता है कि भाई ये पैरामीटर एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है, पूरी साइट में सारे पैरामीटर नहीं होंगे ना, तो इसलिए एक पैरामीटर वल्नरेबल है, तो ये चीज़ आपको दिखानी पड़ती है। अगर आप यूजर नेम में डाल रहे हैं और डायरेक्टली लॉगिन कर पा रहे हैं पासवर्ड में, अगर मान लो यूजर नेम अपन डाला कुछ भी और डाला फिर पासवर्ड में डाला अपन ये वाला पेलोड और लॉगिन कर पा रहे, तो फिर यूजर नेम पासवर्ड दोनों के अंदर ही ये इशू, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू किसी भी साइट का ऑथेंटिकेशन बाईपास कर सकते हैं, और अगर ये आता है तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन टाइप की वल्नरेबिलिटी के अंदर ही आता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चार वाला पॉइंट जो है ना, ये चारों पॉइंट समझ में आगे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और चीज़ें हम आने वाली चीज़ें जो है कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज शेयर करना मत भूलना, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय।